दोस्तों, दुनिया भर में डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 6.8 मिलियन एडल्ट्स डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। लोग अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण तनाव में रहने लगे हैं, जिसका सीधा प्रभाव उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए दुनिया भर में लोग कई तरीके अपनाते हैं। कोई अपने मन की शांति के लिए अपना घर छोड़ देता है, तो कोई खुद को कमरे में बंद कर लेता है। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि सुकून और शांति की तलाश में वो प्रकृति की सुरम्य वादियों में चले गए। डॉक्टर्स भी डिप्रेशन से परेशान मरीजों को इसकी सलाह देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मार्गेश और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ। काउ कडलिंग के नाम से शुरू हुआ ये ट्रेंड पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हो रहा है। इस ट्रेंड की शुरुआत नीदरलैंड से हुई थी और अब यह कई देशों में काफ़ी प्रचलित हो चुका है। इस परंपरा में गायों के पास बैठते हैं, उन्हें सहलाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, जिससे मन को शांति मिलती है। चलिए इसे और भी डिटेल में समझते हैं। डॉक्टर्स की माने तो यह एक ऐसी थेरेपी है जिससे लोगों के मन को शांति मिलती है, पर कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर कैसे। गाय के शरीर का गर्म तापमान, धीमी धड़कने और बड़ा आकार उनके निकट बैठने वालों को शांति का एहसास कराता है। उनकी पीठ खुजलाना, उन्हें गले लगाना, पीठ थपथपाना, ये सब इस थेरेपी का हिस्सा है। अगर गाय पलटकर आपको चाटती है तो ये दर्शाता है कि आपके और उसके बीच विश्वास कितना गहरा है। यह काफ़ी सुखदायक अनुभव होता है और केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि इससे गायों को भी असीम सुख की प्राप्ति होती है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि गायें बेहद शांति प्रिय होती हैं। वो बेवजह लड़ती नहीं हैं और किसी को परेशान नहीं करती हैं। गले लगाने के लिए तैयार की गई विशेष गायें तो और भी शांत होती हैं। वहीं एक रिसर्च से यह भी सामने आया है कि गायों को गले लगाने से मनुष्य के शरीर से ऑक्सीटोसिन निकलता है और इससे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ये हार्मोन अच्छे सामाजिक संपर्क के दौरान निकलता है। माना जाता है कि ऑक्सीटोसिन संतुष्टि की भावना लाता है, तनाव कम करता है और मन की शांति का आभास कराता है। साल 2017 में किए गए एक शोध के मुताबिक गायों को जब उनकी गर्दन और पीठ के कुछ खास हिस्सों पर मसाज किया गया तो वो शांत हुईं, फैल कर लेटी और उनके कान भी नीचे गिर गए। ये शोध अप्लाइड एनिमल बिहेवियर साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ था। और केवल नीदरलैंड्स में ही नहीं, बल्कि अमेरिका में तो लोग काउ कडलिंग अभियान के तहत 90 मिनट तक गाय को गले लगाने के लिए 22,000 रुपये तक खर्च कर रहे हैं। कई जगह तो एडवांस बुकिंग भी चल रही है। इससे यह साफ पता चलता है कि वहाँ के लोगों का भी यही मानना है कि गाय को गले लगाने से उन्हें अच्छा महसूस होता है। विभिन्न शोधों में यह बात भी साबित हो चुकी है कि गाय को गले लगाने से ब्लड प्रेशर भी काबू में रहता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। करीब एक दशक पहले नीदरलैंड्स के ग्रामीण इलाकों में जानवरों के साथ समय बिताने की यह संस्कृति अब एक अभियान का रूप ले चुकी है, जिसके तहत लोगों को प्रकृति और देसी ग्रामीण जीवन से जोड़ा जा रहा है। नीदरलैंड्स अमेरिका के साथ साथ अब तो रोटरडैम, स्विट्जरलैंड जैसे देश में भी फार्म लोगों को गायों को गले लगाने का अनुभव दे रहे हैं। ये तनाव दूर करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका भी बनता जा रहा है। दोस्तों, गौ संस्कृति को बचाने के लिए ये नायाब तरीका अपने देश में भी कारगर साबित हो सकता है। स्वदेशी वीआईपी परिवार की तरफ से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे गौशाला आइए और गायों के साथ कुछ समय बिताइए। आप हमारे स्वदेशी वीआईपी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको होम पेज पर बिल्कुल नीचे विजिट और फार्म का सेक्शन दिखेगा। आप वो सेगमेंट ओपन करें जिसमें हमने काउ कडलिंग एक्टिविटी मेंशन किया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाएं। जय गौ माता।